फोकस ऑफ ग्रोथ, तेरी प्रॉब्लम है दैट तुझे पैसा कमाना है पर तेरे पास पीसी नहीं है बिकॉज तुझे एडिटिंग सीखनी है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए तुझे पीसी चाहिए। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब रियली ये बड़ा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स पैसा कमाना चाहते हैं बट उनके पास कुछ भी नहीं होता है। इन्फ्लुएंसर बनना है तो उनके पास फोन नहीं होता है एंड दे हैव नथिंग, लिटरली उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या करें इस मोमेंट पर क्या करें, ये मैं सोच रहा था, लिटरली मैं ये सोच रहा था। एंड ऑफिशियली मैं ऐसे मोमेंट पर हूँ जैसे मतलब आई हैव अ पाथ फॉर यू, जो तुमने नहीं सोचा था लिटरली। लाइक मेरे पास अभी फ़ोन है, मेरा आईफोन है, जिससे मैंने आज ही जर्नी स्टार्ट कर दी है। मैं एक जगह पर जॉब कर रहा हूँ विदाउट एनी इंटरव्यूज और एनी फकिंग थिंग, बिकॉज आई हैड अ फकिंग स्किल, मेरे में एक स्किल थी, लिटरली मेरे में एक स्किल थी। वीडियो क्वालिटी, ये जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है ये मेरा आईफोन है, ठीक है। सो मतलब मेन चीज़ ये है दैट तुझे ये करना कैसे। सबसे पहली बात, तेरे पास जो फ़ोन है अभी, लिटरली अभी जो फ़ोन है उससे तू जो कर सकता है वो कर। उससे तू एडिटिंग सीख, एडिटिंग ही कर सकता है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकता है, खुद की वीडियोस बना, उस पर जितना हो सकता है मास्टर कर ले, उस पर एडिटिंग मास्टर कर ले, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मास्टर कर ले एंड एवरी फकिंग थिंग वो मास्टर कर लिया। एंड देन इस टाइम मतलब एक दो साल लगेगा इसको, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ फकिंग ऐसा थिंग जो मैं तुझे कहूँगा दैट एक बार में हो जाएगा, दो महीने में हो जाएगा। मैं तुझे ये नहीं बताना चाहता, मैं तुझे कोई फेक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ द रियलिटी। तुझे सबसे पहले तो फ़ोन में कोई ना कोई ऐसी वीडियो एडिटिंग स्किल सीख लेनी है, ठीक है। इसके बाद तुझे बेसिक सेंस आ गया है दैट मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है बेसिक्स ऐसे, उसके बाद जाके ना तू कहीं बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर जो वीडियो एडिटर्स हायर कर रहे हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँ, वेडिंग इंडस्ट्री वाले को वीडियो एडिटर्स की बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज उनको कुछ क्रिएटिव करवाना होता है, ठीक है। तो वहाँ जाके सबसे पहले अप्लाई कर, तेरे सिटी में होगा कोई ना कोई, मुझे पता नहीं कहाँ रहता है तू, बट रियली द थिंग इज सबसे पहले तुझे अप्लाई कर देना है जितने भी तेरे नियर के वेडिंग इंडस्ट्री है जिसके पास एक ऑफिस हो जहाँ पे सब एडिटिंग करने वाली टीम हो, बिकॉज वो रियली हायर करते हैं, उनको एक एडिटर की ज़रूरत है बिकॉज उनको उनका काम जो करने वाले एडिटर थे वो अच्छा करके नहीं दे रहे हैं। ये हर ऑफिस का प्रॉब्लम होता है, जो उनके एडिटर्स होते हैं वो अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाते बिकॉज वो बर्नआउट हो चुके होते हैं, तो उनको नए एडिटर्स की ज़रूरत होती है। सो इट्स अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वो तुझे पैसा देंगे, तुझे नया चीज़ मिलेगा, ठीक है। सो मेन चीज़ यही है यार, गाड़ी साइड से जा रही है, हाँ कदम सर बातें टॉपिक पर। तो मेन चीज़ ये है, अब तुझे कहीं ऑफिस पर हायर मतलब घुस जाना है और एडिटिंग सीखनी है, लिटरली सीख ले एडिटिंग, वहाँ से कमा लिटरली, तुझे बस उनका काम करना है, वो अपने आप तुझे करके देंगे, क्रिएटिविटी आ जाएगी। ओ भाई सोच, ओ भाई भाई भाई, ओ गाय माता, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है भाई साहब, मेन चीज़ ये है दैट लिटरली भाई बहुत बड़ा झटका दे दिया है। मेन चीज़ ये है दैट सबसे पहले तुझे एडिटिंग सीखनी पड़ेगी फ़ोन पर, तुझे फ़ोन पर एडिटिंग सीखनी पड़ेगी लिटरली। उसके बाद जाके तुझे लाइक कोई भी हायर कर लेगा, जितना तू मुझे पता है तेरे में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, वरना तू ये सारी वीडियोज़ नहीं देख रहा होता, ये वीडियो नहीं देख रहा होता तू। सो तुझ में लाइक एक डिज़ायर आ चुका है अभी, मैं रस्ते पे हूँ, चलो बता दो। तो तुझमें डिज़ायर है, मुझे पता है इतना डिज़ायर है, तू डिफरेंट है एंड सेम चीज़ है, जितना तेरे साथ डिज़ायर है तू फोन से एडिट करके पेन टू किसी लेवल की कंपटीशन दे सकता है, मुझे पता है। सो तू फोन का एडिटिंग इतना अच्छा सीख ले दैट लिटरली तुझे कोई लाइक नहीं कर पाए, यू विल बी द बेस्ट इन इट पीसी फ़ोन में, जितना हो सकता है उतना कर, ठीक है। प्रैक्टिस एंड ये कैसे करना है क्या करना है सब तुझे यूट्यूब पर पता है, कैप कट ये सब वो सब तुझे पता है। अब उसके बाद जाके तुझे लाइक क्या करना पता है, ऑफिस पर जा काम कर, ऑफिस नहीं मिल रहे लिटरली मैं बोल रहा हूँ उनके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर और कॉन्टैक्ट कर, सीधा कॉन्टैक्ट कर, ठीक है।
उसके बाद जाके तूने एक बार कमाना स्टार्ट किया, मतलब तुझे स्टार्ट में उतने पैसे नहीं मिलेंगे, देन अगर मतलब तू काम अच्छा करेगा ना, लिटरली तू काम अच्छा करने वाला है, तो तुझे वो सैलरी पर रख देंगे, ठीक है, सैलरी पर रख देंगे। अभी मैं सैलरी पर हूँ तो तू भी सैलरी पर रहेगा एक ना एक दिन, ठीक है। तो सैलरी पर रहेगा ना तू, तो वो पैसे जमा करना, और उससे तुझे पीसी नहीं मिलेगा, लिटरली पीसी नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ तुझे पीसी नहीं मिलेगा। तो पीसी नहीं मिलेगा, उसके बदले तुझे क्या करना है, तुझे पैसे जमा करने एक आईफोन के लिए, या फिर आईफोन के लिए लिटरली उसका कैमरा बेस्ट होता है, एक्स से एट के बीच में कोई भी आईफोन खरीद ले। अगर तुझमें है क्षमता, फिर ऑफिस वाले तुझे ज़्यादा दे रहे हैं पैसे, तो तू खरीद सकता है अच्छा खासा। बट मुझे पता है तेरा बजट है 15 to 20,000 बजट होगा, तो उसमें तेरे यहाँ पे कितने के फ़ोन आते होंगे मुझे पता नहीं, बट आईफोन ले, ठीक है। आईफोन लेने के बाद लिटरली तुझे बस इतना करना है, इतना रोड मैप है। अब तक मैं जितना प्रोग्रेस किया हूँ, दिस इज़ दिस जर्नी जो मैं एक्चुअली करके दिखाया हूँ, ठीक है, एक्चुअल जर्नी, एंड दिस इज़ रियली लाइक ऊपर नीचे वाली चीज़ है, बट रियली ये जर्नी है, ये मेरी जर्नी थी। मैंने खुद के दम पे ये फ़ोन ले लिया है, सब किया है खुद के दम पे, नहीं 5,000 लाइक मम्मी ने दिए थे, बस मुझ में आईफोन 8 लेने का दम था मेरे में, तो मैंने ले लिया, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है एट द एंड ऑफ द वीडियो रिकैप ये है तेरे लिए, दैट सबसे पहले फ़ोन से कोई एडिटिंग स्किल सीख ले, कोई भी मतलब डिजिटल स्किल सीख ले, उसके बाद जाके तुझे लाइक सबसे पहले कहीं हायर अप्लाई करना है, एंड वहाँ जाके वो तुझे सीखने भी देंगे एडिटिंग, ठीक है। तो वो टेंशन मत लेना दैट मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ, उनको ऐसा डेडिकेटेड बंदा चाहिए होता है, लिटरली उनको ऐसा डेडिकेटेड बंदा चाहिए होता है जो ऐसा काम करके दे एंड डेडिकेटेड हो। वहाँ जाके ऑफिस में जाना है एंड पैसे जमा करने हैं तुझे फ़ोन लेने के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव द सेम फोन, नॉट द सेम फोन, द सेम अचीवमेंट। इसके बाद के आगे की भी जर्नी मुझे पता है, बट स्टिल मैं तुझे बताऊंगा। अभी तो आगे बहुत कुछ करना है, बट दिस इज स्टिल द थिंग, पैसे कमा रहा नहीं है तू, मैंने स्टार्ट कर दिया, इसीलिए द सेम थिंग तू कर इतना, ठीक है। सिंपल रोड मैप था, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, सब कुछ हाथ में नहीं मिलेगा, लाइफ है तो ऊपर नीचे होने ही वाला है, ठीक है, ऊपर नीचे बहुत होगा। वन थिंग इज, मेरे दोस्त ने बोला था ये जर्नी के बीच में भगवान पर भरोसा रखना और गिव अप मत करना कभी भी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये वीडियो में सब कुछ बताया मैंने, तुझे रास्ता बताया, अब मैं जो मेरे दोस्त ने बताया ना, वो तेरे लिए कंपास है, कंपास जो तुझे डायरेक्शन बताता है, और वो कौन है, भगवान, होप, ठीक है। तो भगवान के भरोसे रहना एंड यू विल बी देयर, यूनिवर्स तुझे ज़रूर हेल्प करेगा, एंड इट्स नॉट द गुआ थिंग, अगले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से कैसे हेल्प करते हैं, बट स्टिल भगवान पर भरोसा रखना, भगवान होते हैं, एंड मैं ऐसा लड़का था जो भगवान पर भरोसा नहीं करता था, एंड अब मैं लिटरली सब कर पाऊँ। मेरे दोस्त ने बताया लाइफ चेंज हो गई है, सो ब्रो जस्ट लिसन टू मी, एंड थिंग इज जो भी देखा तो उसे देख लेगा, ठीक है, ध्यान देना, मैंने जो बताया बस ध्यान दें, ठीक है। मैंने एक्चुअल में मेरी जर्नी है, ठीक है, मेरी एक्चुअल में जर्नी है।